राम राम जी भाइयों सभी को, आज है 2 फरवरी, मेरा हैप्पी बर्थडे टू मी। तो जन्मदिन तो वैसे कोई खास वो करना रहे तो घर पे मैं सोच रहा बच्चन ने मशरूम की सब्जी, और नहीं मशरूम नहीं चाप की, मशरूम कैंसिल कर दी, मशरूम कल बनाएंगे। एक दिन में 2 सब्जी बनानी ठीक नहीं है, ऐसा अड़ोसी पड़ोसी कह रहे हैं सब। तो चाप की सब्जी बनाने के लिए भैया हमने चाप को तो गर्म पानी में भिगो के काट लिया है, और प्याज है ये कितनी होंगी 1 किलो, ये काट के इनको बिल्कुल वो कर रहे हैं सुनहरा भुनेंगे, फिर ना मिक्सी में पीसेंगे। तो ये है, देखते जाओ कमाल। बची भी हुई भी जो है होली फ्राई, अरे ये देखो होगा ना, होगा कलर चेंज कितना होगा। अब इसे मिक्सी में वो कर देंगे, क्या बोले कर वहाँ ग्रिल देसी पीस देंगे, बन जाएगा फ्री। तो देखो कुछ ऐसा ऐसा कलर आने लगाओ इसको, अब ऐसे कलर पे इसे निकालेंगे हम, क्योंकि ये प्याज बहुत देर तक गर्म रहे ना इनमें, आपस में गर्मी बनी रहे हैं, तो उसके बाद भी ये अपना आप सेट हो जाएंगे टाइट। अभी ये मतलब बाहर निकलने के बाद भी, कहने का तात्पर्य ये है कि बाहर निकलने के बाद भी ये अपने आप पकती रहेंगी। इसको कर देते हैं बंद। तो इन्हें सारी ने निकाल लेते हैं। अभी रखे रखे और हो जाएगा थोड़ा, अपना कलर चेंज होता रहेगा, बनती रहेंगी रखी रखी में। तो यहाँ में हमने चाप भुनी, इसी में प्याज भुनी, ये थोड़ा गंदा गंदा लग रहा हो ना, ये वाई वजह से लग रहा हो, तो इसी में वो कर लेंगे अपना छौक जीरा में डाल दिया, ये प्याज काट लिए थोड़ी सी, उनके अलावा ये चाप हमारी देखो रेडी है ना, बस बीच में से दो दो पार्ट में कर लेंगे, करारी सीख गई है कतई। हाँ थोड़ा सीखने से पहले अरारोट छिड़को हमने इन पे, यूरो अरारोट छिड़क के इस वजह से क्रिस्पी होगी फिर ये। इसमें भैया हमने जीरा डाल के प्याज डाल दिए, प्याज थोड़ी सी भून के, फिर एक टमाटर डाला बस, एक सिंगल टमाटर, बाकी तकरीबन 600 ग्राम के करीब दही, उसमें हल्दी, कश्मीरी मिर्च पाउडर और थोड़ा सा हल्का सा आधी चम्मच सब्जी मसाला मिला लिया, और चाप कर लिया ऐसी काट के हमने, देखो ठीक है जी। और जो हमने वो पीसे ही ना, अरे वो, और जो हमने जो प्याज भुनी वे प्याज, और इसमें हरी मिर्च डाल के 7-8 वो इसमें पीस लिए, कुछ ऐसा ऐसा बना लिया। और अब इसके बाद में जैसे इसमें नमक गिरेंगे थोड़ा सा, नमक देखे को हो ऐसा हो लिया भैया, भुन लिया है, तेल भी अलग होगा, अब इसमें इसे डालेंगे, चलिए इसे चला चला दे, चला चले अच्छे से, मेरे साथ रहेगा तुझे, मैं कुछ बना करूँ क्यों, अच्छा कुक बना दूंगा तुझे, चला इसे अच्छी कुक तो खैर मैं हूँ ही। अच्छा तो दो ही तो कुक है दुनिया में, एक तू एक तेरी मम्मी। तो देखो भैया इसमें हमने थोड़ा सा मसाले डाल के पानी डाल दिया है, और जो प्याज के साथ में लहसुन अदरक का पेस्ट गिरना भूल गए, वो भी अभी डाल दिया, वो भी क्योंकि अभी भुनेंगे मसाले, इनके साथ ही भुन जाएगा वो भी, चल कर। अब इसमें गिर रही है इसे जो हमने हरी मिर्च और प्याज को बना रखा है, टाइट हो गई देख लो, हरी मिर्च खूब गिर रही दबा के। हमने कर लिया है इसको मिक्स, जो प्याज ही भुनी हुई वे भी, अब इसे थोड़ी देर चलाते रहेंगे ऐसे ही, थोड़ा सा इसमें बच गया इसे भी डाल लेते हैं धोके, ये चाप हमारी इधर रेडी, इसमें चाप भी मिक्स कर दिया है सारी अच्छे से। अब इसमें डालेंगे जी पानी कुछ ऐसा सा, एक कटोरी कर लेंगे, अब ये पानी डाल दिया, अब इसे थोड़ी देर के लिए चला के और इसे ढक देंगे 3-4 मिनट में, इसे खुल खुल के चलाते रहेंगे जिससे कि लगे ना नीचे,
अभी दिखाएंगे फिर आपको नेक्स्ट। तो ये हमारे भैया हो गया, देख लो तैयार, कैसे लग रही है एकदम बढ़िया। ये हर्षित भाटी इज कमिंग।